करीब 11 घंटे तक गायब रहने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया जैसे ही मीडिया से मुखातिब हुए वैसे ही देश की सियासत में भूचाल आ गया। इतने घंटों तक गायब रहने के बाद तोगड़िया बेहोशी हालत में मिले, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के एनकाउंटर करने की साजिश का खुलासा करके सबको चौंका दिया। भले ही तोगड़िया ने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने मोदी सरकार पर खुद के एनकाउंटर कराने की साजिश का आरोप लगाया है, जिसके चलते सियासी भूचाल आ गया है। इस बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी तोगड़िया से मिलने अस्पताल पहुंचे और मिलने के बाद बेहद ही साफ लफ्जों में हार्दिक ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हार्दिक ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह मिलकर प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े ही आक्रामक अंदाज में हार्दिक ने कहा कि हिंदू नहीं बल्कि हिंदुस्तान खतरे में है। तो एक वक्त था जब वीएचपी नेता तोगड़िया और मोदी एक ही साइकिल में घूमते थे, और आज तोगड़िया के आरोपों ने मोदी सरकार की नींद हिलाकर रख दी है, तो वहीं विरोधियों को कहने का मौका दे दिया है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बिना वक्त गवाए हार्दिक पटेल तोगड़िया के आंसू पोंछने अस्पताल पहुंच गए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।